चुनाव आते ही आचार संहिता लागू हो जाता है और आप सोच रहे होंगे कि ये आचार संहिता होता क्या है। तो दोस्तों यही बताने के लिए तो मैं आपके सामने हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशी और आप देख रहे हैं अनकट। देखिए, इंडिया इज अ फ्री कंट्री, यहाँ लोगों को आजादी से अपने नेता को चुनने का अधिकार है, स्वतंत्र होकर निष्पक्ष होकर वोट देने का अधिकार है। बस इसी कारण आचार संहिता लागू होता है और आचार संहिता लागू होते ही कई चीजों पर अंकुश लगा दिए जाते हैं और चुनाव आयोग का आदर्श आचार संहिता लागू करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना होता है। चुनावों की तारीखों की घोषणा के साथ ही लागू हो जाती है चुनाव आचार संहिता। इसे आदर्श आचार संहिता भी कहते हैं, जिसका सीधा मतलब होता है कि चुनाव आयोग के वो दिशा निर्देश जिनका पालन करना हर राजनीतिक दल और उसके उम्मीदवार को चुनाव खत्म होने तक करना होगा। अगर इन नियमों का पालन नहीं होता है तो चुनाव आयोग उम्मीदवार या फिर दल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकता है और इस कार्रवाई के तहत उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोका भी जा सकता है, उसके खिलाफ FIR दर्ज भी हो सकता है और उसे दोषी पाए जाने पर सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। ये संहिता सरकार को नीतिगत निर्णयों की घोषणा से भी रोकती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि नेता या दल मतदाताओं को लुभा ना सके, मलाई मक्खन ना लगा सके। आचार संहिता लगते ही किन किन चीजों पर रोक लग जाती है, एक बार उन पर भी हम ध्यान देंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो जाती है। इसके लागू होते ही सत्ताधारी पार्टियां चुनाव प्रचार के लिए आधिकारिक शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती, यानी वो किसी भी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं कर सकती। सरकार किसी भी नीति, परियोजना या योजना की घोषणा नहीं कर सकती। पार्टियां सरकारी खजाने का इस्तेमाल विज्ञापन देने या प्रचार के लिए नहीं कर सकती हैं। किसी भी उम्मीदवार या राजनीतिक दलों की आलोचना उनके काम के रिकॉर्ड के आधार पर ही किया जा सकता है। मतदाताओं को लुभाने के लिए किसी भी जाति या सांप्रदायिक भावनाओं का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मंदिर, मस्जिद, चर्च या किसी अन्य पूजा स्थल का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि मतदान के समापन के लिए निर्धारित घंटे से पहले 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक बैठकें आयोजित करना भी अपराध है। वहीं उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव का औपचारिक ऐलान हो गया है और इस ऐलान के साथ ही पांचों राज्यों में चुनाव आचार संहिता को भी लागू कर दिया गया है। 10 फरवरी से मतदान शुरू हो रहे हैं और 10 मार्च को सभी राज्यों के नतीजे आ जाएंगे। तो आप भी जाइए, देखिए कि आपके जिले में कब, कहां और कैसे वोटिंग हो रहा है, जरूर वोट डालिए। ऐसे इंटरेस्टिंग इन डेप्थ खबरों के लिए, न्यूज एनालिसिस के लिए और न्यूज अपडेट्स के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। साथ ही साथ आपको कमेंट करके ये भी बताना होगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। मैं थी आपके साथ आशी और आप देख रहे थे अनकट। नमस्कार।